बाबा केदार का भक्त केदारनाथ मंदिर में कैसे भटक गया? बाबा केदार के दर्शन करने आया भक्त का आधा शरीर धस गया बर्फ में। केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर सुमेरु पर्वत में बर्फ के बीच फंस गया वृंदावन से आया बाबा केदार का भक्त। इन दिनों जिस रफ्तार से केदारनाथ धाम की यात्रा हो रही है उसे देखते हुए पिछले साल का रिकॉर्ड खतरे में आ गया है। केदारनाथ में रोजाना हजारों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक वृंदावन यूपी से आया भक्त भी दर्शन के लिए केदारनाथ धाम आया था और दर्शन करने के बाद ये भक्त टहलते हुए आसपास के क्षेत्र में चला गया, लेकिन घूमते घूमते ये यात्री केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। इन दिनों केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, वहीं सुमेरु पर्वत पर भी भारी बर्फबारी हुई है, जिस वजह से ये यात्री सुमेरु पर्वत पर ही बर्फ के बीच फंस गया। आपको बता दें कि ये यात्री घुटनों तक बर्फ में समा चुका था। जैसे ही इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को मिली तो मौके पर ही एसडीआरएफ जवान जा पहुंचे और कई मुसीबतों को पार करके जवानों ने सुमेरु पर्वत तक का सफर तय किया और बर्फ में फंसे भक्त को सकुशल ही निकाल कर ले आए। धाम लाने के बाद यात्री को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। इस यात्री की पहचान सचिन गुप्ता वृंदावन निवासी यूपी के रूप में हुई है। फिलहाल सचिन की तबीयत दुरुस्त बताई जा रही है। वहीं इन दिनों केदारनाथ में हुई बर्फबारी के चलते ठंड पड़ चुकी है। गिरते तापमान के बीच भी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब रोजाना उमड़ रहा है। शाम के वक्त भी बाबा केदार के भक्त लाइन में लगे हुए हैं। पैदल मार्गों पर भी भक्तों का हुजूम देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।